मुझे लग ही रहा था बारिश आएगी। वाओ, ऊपर वाले स्नो वाले लग रहे हैं और नीचे वाले ग्रीन ग्रीन है। राय दे देखो, लैम्बोर्गिनी यूरस खड़ी भी है, ऊपर वाइट नीचे ब्राउन। ये देखो गाइस क्या रोड आई हुई है मस्त। सामने से कोई आ जाए पैक ही लेना पड़ेगा। और इस वक्त मैं लाहौल में हूँ। एनीवेज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस, कैसे हो आप लोग? एक और संडे आप और मैं साथ में। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे मनाली, फुल मज़ा आया, ठंडे ठंडे मौसम के मज़े लिए, बर्फ़ के मज़े लिए बेसिकली। रास्ता बहुत अजीब सा, टेढ़ा मेढ़ा सा है, ख़तरनाक सा। हीटर चलाया हुआ है लेकिन उसमें से भी ठंडी हवा आ रही है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी गर्म होगी। लोग कह रहे थे आप यहाँ पे ले कैसे आए, यहाँ तो आ ही नहीं सकती अली गाड़ी, ऐसे हैरान होके बोल रहे थे। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. So guys, पता नहीं कैसे भगवान भरोसे finally मैं नीचे उतर आया हूँ। अभी यहाँ से 63 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 hour 51 minute का रास्ता मनाली का। अरे देखो ब्लैक आई थे शायद नीचे, ब्लैक आइस क्या पूरी आई थी जमी पड़ी है सड़क पे, आइस ही आइस है ये, ध्यान से देखो, देखो आइस स्लश बोलते हैं ना जैसे, आइस और वाटर का मिक्स स्लश वो था ये भाई। नज़ारे तो यहाँ के बढ़िया है यार सही में। वैसे तो यही से उन्होंने बताया, स्नो लेपर्ड दिखा था कहीं पे, पेट्रोल पंप गया है अभी पीछे, पेट्रोल पंप से आगे और ब्रिज से पहले वहाँ पे दिखा है स्नो लेपर्ड। पेट्रोल पंप से आगे तो हम आ गए हैं और ब्रिज से पहले ही है, अभी हम ब्रिज नहीं आया है। इसी एरिया में स्नो लेपर्ड दिखे हैं अपने दो कब्स के साथ। थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाओ गो माता जी, हम कहाँ से जाएंगे, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाओ। नहीं सामने नहीं आना, लेफ्ट राइट होना है। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। अटल टनल पहुंच गया होगा, एंटर करने जा रहा हूँ। कुछ भी कह लो टनल है कमाल की है गाइस। अटल टनल से निकल गया हूँ, कोई लोकेशन ढूंढ रहा हूँ बढ़िया सी, सोलांग वैली के पास पहुँचने वाला हूँ गाइस। मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ पर यहाँ पे जिप लाइन चल रही है और लोग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। ये जाएगा गाइस अभी देखना। और देखो गाइस रिवर बह रही है नीचे मस्त ना, मैंने यहाँ पे खड़ी की है। मैं देखने गया था कि कुछ पार्किंग की मस्त जगह मिल जाए रात को रुकने के लिए, पर ऐसा है नहीं और इतना रोड के बगल में मेरे को रुकने का मन नहीं है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ मनाली साइड, क्योंकि वहाँ पे वेदर भी थोड़ा सॉलिड हो रहा है। वो पूरा ये मनाली ही जा रहा है रास्ता और बारिश हो सकती है वहाँ पे, तो चलो चलते हैं। राय दे देखो, लैम्बोर्गिनी यूरस खड़ी भी है, क्या मस्त लग रही है। तो गाइस कैफ़े 1947 बहुत पॉपुलर कैफ़े है मनाली का, वहाँ पे आया हूँ, गाड़ी पार्क कर दी है। ये गाइस कैफ़े 1947। मैं ठीक मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं मंगवाऊँ तो क्या मंगवाऊँ। पिज्ज़ा है देखो यहाँ पे, एक तो मैंने चाय मंगवाई है मसाला चाय, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है बारिश वाला। वाओ ये बीच रिवर है, मैं कैफे 1947 में बैठा हुआ हूँ, पिज्जा ऑर्डर किया है। चाय आ गई है गाइस, चाय के साथ में मसाला अलग से दिया है। तो गाइस पिज्जा में मैंने टॉपिंग्स डलवाए हैं, कैप्सिकम, ऑनियन, मशरूम, ब्लैक ऑलिव और हैलेपिनोज। तो पिज्जा आ गया है गाइस,
बेसिल भी है ऊपर से, जबकि बेसिल के लिए तो मैंने कहा भी नहीं था। वाह क्या लग रहा है। मस्टर्ड होती है क्या आपके पास? यस सर, थोड़ी सी दिल क्या। मुझे पिता के ऊपर मस्टर्ड बहुत पसंद है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. वो देखो गाइस कैसे क्लाउड्स आ गए हैं। रास्ता ही लग रहा है यार। ऑसम। मुझे पूरी उम्मीद है बारिश वरिश की भाई, पूरी उम्मीद है मुझे। बारिश आ रही है गाइस, बारिश आ रही है। मुझे लग ही रहा था बारिश आएगी। वाओ मस्त हवा भी चल रही है गाइस। ये आना ही बहुत अच्छा है, कैफे 1947 जरूर आना यहाँ पे। चलो गाइस बारिश तो शुरू हो गई है, कोई पार्किंग स्पॉट ढूंढते हैं मस्त सा। बहुत ही बढ़िया सी जगह ढूंढनी है गाइस, बहुत ही बढ़िया सी जगह। कोई ऐसी जगह मिल जाए जब बारिश ही बारिश हो रही हो, आंधी तूफान आ रखा हो। आंधी तूफान के बीच में गाड़ी पार्क करूंगा और रात को सोऊंगा। वो देखो गाइस वो बंदा कहाँ पे गाड़ी लेके गया हुआ है। कैसे जाया जाता है यहाँ पे, ये रहा रास्ता। मिल गया, मिल गया नदी किनारे जाने का रास्ता, मिल गया गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, तो मजे से उतर जाएंगे यहाँ से नीचे। फिलहाल यहाँ पे पार्क करते और देखते क्या सीन है। ये जी मेरी गाड़ी गाइस, ये जी नदी गाइस। तनी क्या ही बनाया हुआ है, पर क्या व्यू हो रहा है यार। इससे आगे तो नहीं जा सकती गाड़ी मेरी, मुझे ऊपर से लग रहा था, पर इससे आगे नहीं जा सकती है, ज़्यादा स्टीप है और बारिश भी आ रही है तो कीचड़ हो सकती है, तो फंस सकती है। मैं रुक जाऊंगा रात को सही जगह, यहाँ ही खतरनाक सीन हो रहा है गाइस। यहाँ से है नीचे जाके, यहाँ पे किसी की शूटिंग वूटिंग चल रही है भाई, मूवी वूवी टाइप चीज़ की। ये जो तीन बैठे ना लाल ब्लैक और ग्रे वाला, ये पूरा कैमरा वैमरा लेके बैठे हुए, इतना बड़ा कैमरा, और ये तीनों हीरोइने हैं। तो पीछे ये व्यू दिख रहा होगा इन्हें। गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर दी गाइस, यहाँ पे रिवर अब एकदम मेरे राइट हैंड साइड पे है भाई। ये देखना कहाँ चढ़ा दी इन्होंने, समझ नहीं आया क्या किया इन्होंने। ये पार्क करी है इन्होंने, मेरे को आवाज़ आई धर्म करके, मुझे लगा गलती से कुछ हो गया। इतनी ज़्यादा मस्त वाली बारिश आ रही है गाइस, और मुझे तो लग रहा है पूरी रात होगी, क्योंकि सामने बादल देखो कैसे हैं गाइस। मैंने यहाँ पे खड़ी कर दिया गाड़ी, मैं अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हुआ हूँ। बारिश फुल पावर होने वाली है, मेरे को लग रहा है बहुत तेज़ होगी, अभी काफ़ी तेज़ तो हो ही चुकी है।
रात को तो यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं होने वाला गाइस। ये जो पीछे ईको खड़ी है ना, ये भी चली जाएगी, देखना मैं अकेले ही हूँगा। और तेज हो चुकी है गाइस, बारिश और तेज हो चुकी है, और अभी सिर्फ 4:26 हुए है, ऐसा लग रहा है जैसे 6:30 हो गए हो शाम की। अब तो बाहर खड़ा भी नहीं हो सकता, अगर मैं बाहर खड़ा हुआ तो गया भीग जाऊंगा और रात को मेरी कुल्फी जम जाएगी गाइस। यहाँ पे नॉर्मल मैगी नहीं मिली मुझे, पता है, मतलब सब लोगों के पास जो मैगी थी वो कह रही थी खा लो खाने वाली है, बेचेंगे नहीं हम, मतलब नॉर्मल सिर्फ बनाने के लिए तुम्हें नहीं बेचेंगे, तुम हमारी बनाई हुई खा लो 50 रुपए की। मैं खा लेता लेकिन मेरे को मन था यार गाड़ी में खुद पकाने का, कैंपिंग करनी है ना, कैंपिंग में खुद पकाने में मज़ा आता है। आज मेरी 141 के आसपास गई थी और 44 भी गई थी एक दिन में, इतनी ऊपर से इतनी नीचे जाते रहती है मेरी हार्ट बीट, सभी की ऐसे होती है क्या? कंफ्यूज किया हुआ है मुझे तो दुनिया में, बाप रे क्या हाल हो रखा है। ओ बेटा थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, सेट करने से मेरा मतलब आगे वाली सीट पे सेटना। गाइस 5 बज रहे हैं, ठंड लग रही है, टेम्परेचर 1 डिग्री हो रहा है और -6 जाएगा। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ गाइस वो ये है कि बारिश ना रुके, बस पूरी रात बारिश होनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। यस, नदी के किनारे में गाड़ी के अंदर पूरी रात बारिश में, ठंडा ठंडा होगा बाहर, मैं अंदर कोजी होके अपनी ब्लैंकी के अंदर। वाओ गाइस वो देखो, बारिश के बाद अभी भी स्नो गिरी है तो ट्रीज में फर्क दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले स्नो वाले लग रहे हैं और नीचे वाले ग्रीन ग्रीन है। ये अभी अभी हुआ है, इससे पहले सारे ग्रीन थे ये, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। एक मैगी ऑर्डर करी है, वेज मैगी। थैंक यू। अभी कितनी गर्म है, मिलता हूँ गाइस अंदर। बाप रे वो देखो गाइस माउंटेन कैसा लग रहा है, ऊपर वाइट नीचे ब्राउन, इतना डिफरेंट लग रहा है ना। और ये मनाली रात को, गाइस मैगी से तो मेरा पेट भर गया पर तो मेरे बस की नहीं हो रही और कुछ सब बनाना। टेम्परेचर -4 जा चुका है और -7 जाएगा और अभी सिर्फ 8:30 ही हुए हैं और ये सुबह 7 बजे तक इतना ही रहने वाला है टेम्परेचर, तो मैं तो बस रजाई के अंदर घुसा हुआ, वो भी बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं झेल नहीं पाऊँगा, तो मैं पूरी तरीके से अब कवर हो गया हूँ दोनों, दो दो रजाई ओढ़ के, मतलब स्लीपिंग बैग और अंदर एक रजाई भी है, तो अभी थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ है। अब देखते जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, फिलहाल तो मेरे को बहुत ठंड लग रही है तो मैं रजाई के अंदर हूँ और थोड़ा थोड़ा थका हुआ भी हूँ तो नींद कोशिश कर रहा हूँ नींद आ जाए। और बारिश बहुत ही मस्त हो रही है, बारिश की आवाज़ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी नींद आ जाएगी, तो कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा वरना मैं आपको सुबह मिलूँगा। गाइस बाय। -3 हो रहा है अभी, इतना सुनसान है यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है जय श्री कृष्णा कह के सो रहा हूँ मैं तो। गाइस सुबह के 5:51 हो रहे हैं, -7 डिग्री हो रहा है, लेकिन अच्छी नींद आई,
काफ़ी देर गाड़ी के अंदर रहने के बाद ना अंदर काफ़ी गर्म गर्म हो रहा है गाड़ी के। गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, कैसे हो सबके सब? ऑलमोस्ट 7 o'clock ही हो गए। मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दिया गाइस, गाड़ी क्लीन कर दिए विंडोज। ओ गाइस बहुत बुरा हाल है। आई होप आपको अच्छी लगी हो गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट। There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't